अगर आपको YouTube से कुछ काम है, YouTube टीम से अगर आपको बात करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप बड़े ही आसान तरीके से आप YouTube टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो फिर चैट से बात कर सकते हो, या तो फिर ईमेल कर सकते हो। अब इसको मैं बता दूँ ना कि प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, दिक्कत कहाँ आता है, कि अगर आप एक छोटे क्रिएटर हो, अगर आप YouTube टीम को मेल करते हो तो वहीं पे मेल आपका रिजेक्ट हो जाता है। उधर से आ जाएगा कि आपको इस मेल पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप YouTube टीम से कैसे बात कर सकते हो? कुछ दिन पहले मैं अपना बता दूँ कि एडसेंस में मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने वाला था, तो उसको मैं तीन टाइम मैंने ओरिजिनल मैंने उसको में कहा जाता है ना कि आपका जो घर पे पैन कार्ड आया है या तो फिर वोटर आईडी कार्ड आया, उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करना है। लेकिन मैं इंटरनेट का कॉपी बार बार चढ़ा रहा था, तीन से ज़्यादा बार मैंने अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे एक्शन बटन ही गायब हो गया। तो मैंने उसे कैसे मंगवाया, और आपका भी कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो यूट्यूब टीम से बात करके, तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप बात कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो फिर भी आप उसे कैसे बात कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे दो ही ऑप्शन होता है, या तो यूट्यूब टीम से आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, न तो स्पेनिश में बात कर सकते हो, बस, और तीसरा लैंग्वेज कोई भी नहीं है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब टीम से अगर बात करना है ना, तो सबसे पहले आपको ईमेल करना पड़ेगा। यहाँ पर ईमेल जाकर, यहाँ पर जैसे कि मेरा ईमेल ए हुआ, और आपको कहाँ पे करना है तो नीचे में आपको यहाँ पर टाइप करना है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, creator-support@youtube.com, ठीक है। और दूसरा जो ईमेल का, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है creator-support@youtube.com। जैसे कि मैं अगर लिख कर नहीं दिखा सकता हूँ, और दूसरा में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेल पे अगर टाइप कर सकते हो ना कि byt-partner-support@google.com, दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको कुछ लिख कर नहीं टाइप करना है, बस यहाँ पर वो वाला ईमेल टाइप करना है और यहाँ से आपको सेंड कर देना है। तो मैं फ़िलहाल बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आता है ना कि जैसे ही ये देख सकते हो, मैं अगर अपना दिखाऊँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर ईमेल किया था, दिख रहा है यहाँ पर मैंने ईमेल किया था, ये आप देख सकते हो creator-support@youtube.com के पास। और जब मैंने ईमेल किया था तो ये देख सकते हो वहाँ से हमको क्या जवाब आया कि थैंक फॉर कनेक्टिंग द यूट्यूब क्रिएटर टीम, यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स बिकॉज यू हैव रीच आउट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, देन इज इट नो लॉन्गर सपोर्टेड, मैंने कोई भी आपको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका रिप्लाई तुरंत आ जाता है और ए वाला ईमेल है, यानी कि आपका जो ईमेल है वो रिजेक्ट हो रहा है, वहाँ से आपका कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, तो दोनों ईमेल से अगर ऐसा जवाब आ जाता है तो आपका ईमेल से कोई भी काम बनने वाला नहीं है। तो आपको सिंपली आ जाना है, कहाँ पे आना है, तो आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है ना, क्रोम ब्राउज़र पे आना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल, यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल, ये देख सकते हो google.com। अब यहाँ पे क्या आएगा ना कि आपका जो भी यहाँ पर चाहिए, माने जो भी आपका YouTube बना हुआ है जिस भी ईमेल आईडी से, तो उसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है, ये देख सो मोनेटाइजेशन यूट्यूब स्टूडियो, तो मैं यहाँ पे ऐसे चला जाता हूँ, और यहाँ पे साइन इन यूट्यूब स्टूडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टूडियो में आएगा और फिर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बाइटी स्टूडियो में, वो भी क्रोम में। अब रीडायरेक्ट होने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, तो इसको आपको जूम करना है, ऐसे करके जूम करने के बाद ये आपको कुछ दिख रहा है ऊपर में, ऊपर में एक बॉक्स दिख रहा होगा, दूसरा में आपको वाट का चिन्ह दिख रहा होगा, तो आपको वाट का चिन्ह पे क्लिक करना है, यानी हेल्प वाला पे। थोड़ा देर वेट करने के बाद ये कुछ ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो उसको ऊपर टिक करना है और आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दो ऑप्शन और नज़र आएगा, ये आप देख सकते हो, आस्क द हेल्प कम्युनिटी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, तो आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको से पूछ रहा है कि ये देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या आपको प्रॉब्लम है, अगर इनमें से कोई दिक्कत है, एडसेंस आईडी वेरिफिकेशन या गेट वेरिफिकेशन या तो फिर कम्युनिटी पोस्ट या तो फिर अकाउंट हैक हुआ है या तो फिर पेमेंट में कोई दिक्कत है, तो आपको क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं अदर पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने जैसे ही किया ना, से पूछ रहा है, आप देख सकते हो चैट का, और नीचे में पूछ रहा है ईमेल का, तो आप क्या करना चाहते हो, तो आप ईमेल पे मत जाना, क्योंकि ईमेल में आप कब रिप्लाई करोगे, फिर उसका कब उधर से रिप्लाई आएगा, तो आप चैट कर देना 1 मिनट के अंदर ये चीज़। आप फिर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा ना, कि बहुत बार आप देखोगे ना तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ और ही आ जाएगा, तो ये चीज़ आप ट्राई करते रहना, आज नहीं तो कल 1-2 दिन में ऐसा होता है, जब आपके पास वो चीज़ प्रॉब्लम आएगा तो ये चीज़ आपको देखने के लिए नज़र आएगा, कि बहुत बार क्या होगा ना कि दूसरों का सॉल्व किया हुआ यहाँ पे दिखाई देगा लेकिन अपने वाला नहीं आएगा। देखो ये चीज़ 2-3 बार मैंने अभी किया, वापस आके फिर जाकर तब ये जाकर हुआ, आवर ऑफ ऑपरेशन जो भी है, ये चैट पे अगर क्लिक करूँगा तो एक कन्वर्सेशन आ जाए होने लगेगा, बातचीत जो भी है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको बात कैसे करना है, बात करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, तो ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको बात करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया कि थैंक्स फॉर रीचिंग अस, आप मेरे पास जो अथी किए हैं बात करने के लिए, आप यहाँ तक आए उसके लिए थैंक्स। तब मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दिया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड मोर देन 3 टाइम, तो ओहो, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोर देन 3 टाइम मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया, तो आई एम सॉरी जो भी उसको लिखना था वो लिखा, फिर बोला यहाँ पे लिखा है लेट मी चेक एडसेंट डेटा टू सी योर समथिंग कैन हेल्प, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बार बार ये जूम आउट हो रहा है, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो उतना अच्छा से हमको पर, तो फिर मैंने लिखा ठीक है चेक करने के लिए, बस सिर्फ मैंने ओके लिया, ओके लिखा, फिर वो अपने से जेबल चेक उक करके जो जो भी उसको करना था वो यहाँ पर बोला कि फ्यू मिनट में ले सकता हूँ चेक करने के लिए, तो मैं बोला ओके, फिर यहाँ से थैंक्स फॉर रीचिंग या जो भी आप पढ़ लेना भाई जो भी है, तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है लास्ट में ना, डू यू हैव ए वैलिड इमेज ऑफ, मैंने गवर्नमेंट वाला जो भी आपके पास एक वैलिड फोटो वाला आईडी कार्ड है, तो मैं बोला यस, और देख रहे हो उसका पूरा लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है, मैंने बस शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखा है पूरा। तो फिर बोले जबल ठीक है तो मैं आपको एक ईमेल करता हूँ, कि आपका ईमेल ये वाला है, तो मैं बोला हाँ यही वाला ईमेल है, आप देख सकते हो, इज दिस द बेस्ट ईमेल टू रीच यू एट, तो मैं बोला थैंक यू, एस लिखने के बाद मैं थैंक यू बोला। अब मैं दिखाता हूँ मेल, अब उसके बाद जो उधर से मेल आया ना, तब उसके ऊपर फिर हमको बातचीत होने लगा, ये आप देख सकते हो, फिर उधर से मेल आया, जब भी वो ओरिजिनल मेल आएगा तो वो कुछ ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी ए वाला जब मेल आ जाएगा ना तो समझो आपका काम बन गया। तो फिर यहाँ से फिर मैंने उसे एक अपना पैन कार्ड सेंड किया, पैन कार्ड सेंड करने के बाद भी फिर फेल्ड हो गया, फेल्ड होने का रीज़न क्या था ना, कि मैं इंटरनेट का कॉपी बार बार डाल रहा था इसीलिए, और भी कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने एक्शन बटन मंगाया और फिर ऐसा हो गया, फिर अब तो खैर सक्सेसफुल वाला भी मैसेज हो। यहाँ पे देख सकते हो गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तो ये चीज़, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहूँगा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो। थैंक यू।